नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों, आज ये जो टी शर्ट प्रिंटिंग की सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें मैं आपको जो स्क्रीन प्रिंट जो हमारी मशीन होती है जिस पे हम टी शर्ट प्रिंट करते हैं, वो मशीन को असेंबल कैसे किया जाता है, वो उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। विद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास अभी एक मशीन है जो सिंगल स्टेशन 4 कलर की मशीन है, इसे इस असेंबल कैसे करेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन है। ये जो हमारी मशीन है ये 4 कलर की मशीन है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं। इसमें हम 4 फ्रेम हमारी फिट होगी, यानी एक फ्रेम में हमारा एक कलर एट ए टाइम, हम यहाँ पे 4 कलर एक साथ हम प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे पैलेट लगेगा। पैलेट के मतलब जहाँ पे हम अपना टी शर्ट यहाँ पे असेंबल करेंगे और फ्रेम यहाँ पे रख के हम टी शर्ट को प्रिंट करेंगे। तो चलते हैं आगे और इसे थोड़ा असेंबल कर लेते हैं। जो नट पहले के लगाए हुए हैं उसे हम ज़रा निकाल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये रोटर है, यहाँ बेयरिंग लगी हुई है, इसे असेंबल किया गया है। जैसे जैसे हम इसे असेंबल करते जाएंगे और मैं आपको अगले वीडियो में जैसे मैं बताऊंगा आपको कैसे टी शर्ट प्रिंट करना है, वैसे धीरे धीरे आपको ये सारी जानकारी मिलती जाएगी। अभी क्या है दोस्तों, थोड़ा यहाँ गणपति विसर्जन चालू है आज के दिन, इसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पटाखे की आवाज़ आती रहेगी। तो ये इसका नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक डॉट मारा हुआ है, तो हम एक ऐसा स्टैंड देखते हैं जिसमें डॉट नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पे नहीं, इसमें 3 है। देखिए यहाँ पे एक डॉट किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, तो इसका जो है जोड़ी ये है, तो हमें इसे ओपन करना है। पूरा सेट आप देख सकते हैं, पाउडर कोटेड सेट है ये, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है इसमें। असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाले नट भी लगा लेते हैं। एक बार जब ये रेडी हो जाएगा, दोस्तों, तब आप देखेंगे और ज़बरदस्त दिखेगा। इसका हुक यहाँ लगा दिया जाता है। थोड़ा आपको फिनिशिंग में दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए टोटली आप देख सकते हैं, टोटली पाउडर कोटेड ये है, अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ से इसे पाउडर कोटिंग किया गया है। और इसके जो स्प्रिंग्स हैं आप ये देख सकते हैं, ये हाई क्वालिटी यूज़ किया गया है।
तो आप बेफिक्र होके दोस्तों इसमें काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा इसका बनाया गया है। चलते हैं, अपना जो हमारा तीसरा स्टैंड है उसे हम लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारा सारी ये जो फ्रेम्स हैं सारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारा फोर स्टेशन जो है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं हमारा बेस की तरफ, यानी हमारा जो पैलेट है, पैलेट हमें फिट करना है। तो पैलेट की तरफ हम चलते हैं, पैलेट हमें यहाँ फिट करना है इसके ऊपर। दोस्तों देख सकते हैं आप, पैलेट ये बॉटम साइड है, ये मैंने दिखाने के लिए आपको ऐसे रखा है। ये ऐसे नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये जो चारों तरफ से ये बोल्ट दिए गए हैं यहाँ पे ये फिट होता है, ताकि ये आगे पीछे हिले नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग इसके अंदर, इसके अंदर जो ये दिया है, बॉक्स दिया है, ये इसके अंदर जो हमारा ये फ्रेम है इसके अंदर डालते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पैलेट यहाँ पे फिट हो चुका है। और आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये इसके ऊपर जो पैलेट है, इसके ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग है वो अभी निकाली नहीं गई है। तो यानी जब इसको हम कोटिंग निकालेंगे तब ये पूरा जो पैलेट है वो पूरा प्लेन हो जाएगा। नहीं, इसको सेफ्टी के लिए ओनली ये प्लास्टिक इस पर अभी तक निकाली नहीं गई है। थोड़ा आपको यहाँ पर डस्ट दिख रहा होगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब जैसे ये हमारा मशीन यहाँ पर असेंबल हो चुका है, आपने देखा ये भी हमारा यहाँ पे टाइट नहीं किया है हमने, इसके लिए हमारा ये आगे पीछे हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ऐसा ये फ्रेम यहाँ पे आएगी, ये हमारा टी शर्ट यहाँ पे होगा और जस्ट यहाँ पे हम हमारा जो स्क्वीज़ होगा जो हमने दिखाया था आपको, यहाँ से हम इसको यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और हमारा जो टी शर्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी पूरी मशीन जो हमारा वन स्टेशन फोर कलर, 1 2 3 4, ये फोर कलर हमारा मशीन यहाँ पे असेंबल हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी कि यहाँ पे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रेम हमने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो टोटली पाउडर कोटेड फ्रेम्स हैं, जो भी मेटल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हमने पेंटिंग किया है वो ऑर्डिनरी पेंट है, जी नहीं, ये पेंटेड नहीं है, पाउडर कोटिंग पेंटिंग किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो क्वालिटी का बहुत अच्छी तरीके से इसमें ध्यान दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।